छुले सिक्के साथ रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नगर निगम में मार्ग प्रकाश विभाग का प्रदर्शन, मार्ग प्रकाश विभाग के आउटसोर्सिंग श्रमिकों का प्रदर्शन, वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन, कर्मचारियों ने पीएफ भी नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। बता दें कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय को घेरा, आश्वासन के बाद भी नहीं हो रही थी उनकी सुनवाई। नगर आयुक्त से मिले आश्वासन से संतुष्ट नहीं है कर्मचारियों ने। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भी लिखा पत्र, मांगे पूरी न किए जाने पर बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी कर्मचारियों ने दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग का प्रदर्शन, नाराजगी उनकी देखी जा रही है, उनकी मांगे जो है पूरी नहीं की जा रही है और लगातार जो उनका प्रदर्शन जारी है और मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बता दें कि पीएफ नहीं दिए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, नगर निगम में मार्ग प्रकाश विभाग का प्रदर्शन है, लगातार उनका रोष व्याप्त हो रहा है, उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही, क्या अपडेट्स है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें नगर निगम में मार्ग प्रकाश विभाग में आउटसोर्सिंग श्रमिकों ने आज यहाँ पर नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि पिछले 7 से 8 महीने से अभी उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण वो काफी परेशान है, जिसको लेकर आज नगर निगम के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया। साफ तौर पर इनका एक यह भी आरोप है कि सरकार लगातार आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोगों की नौकरी जो है वो कहीं ना कहीं जो है छीन रही है। साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि जो लगातार जो वीवीआईपी है उनके जगह पर हम लोगों की ड्यूटी लगाते मार्ग प्रकाश में, और इसके बदलावा देखा जाए तो लगातार हम लोगों का जिस तरीके से वेतन रोका गया है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि काफी परेशानी, जिसको लेकर आज नगर निगम के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन काफी महीने हो चला है अभी तक उनका वेतन नहीं मिला, लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वेतन को लेकर पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक उनका वेतन न मिलने के बाद नगर निगम में सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हमारा वेतन है उसे लिया जाए, और साथ ही जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को रख रहे हैं तो उसके लिए उसको हटाएंगे। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो बाहर बैठे और प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अभी तक उन तक कोई आया नहीं उनकी बात सुनने या उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे बताने, क्योंकि अब इन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। आदित्यनाथ को पत्र देकर ये शिकायत जाहिर की थी कि जो हम लोगों का वेतन है उसे पूरा किया जाए, लेकिन नगर निगम के बाहर जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अभी कोई आला अधिकारी इनको मिलने भी नहीं आया, ना कि किसी तरीके का भी अधिकारियों के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया, लेकिन इनका साफ तौर पर यही आरोप है कि हम लगातार जो वीवीआईपी नेता मंत्री जो है कार्यक्रम में पहुंचते हैं, हम वहाँ पर लाइट प्रकाश का काम देखते हैं, इस तरीके से हम लोगों का जो कह सकते हैं जो नौकरियां है वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खतरे में दिख रही, तो जिसको देखते हुए आज ये लोग तमाम उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने लग गए हैं तो जाहिर सी बात है अब काम पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ेगा, काम भी बंद है, और ऐसे में काफी ज्यादा लापरवाही देखी जा रही है कि अभी तक जो है अधिकारी नहीं आए क्योंकि बहुत देर से प्रदर्शन करने बैठे हैं। जी आपको बता दें सुबह से ही ये लोग नगर जो है निगम कार्यालय के बाहर जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंच कर प्रदर्शन कर रहे, हालांकि अभी कुछ ही देर पहले नगर आयुक्त से उन लोगों की किसी तरीके से वार्तालाप की बात चल रही है, कहीं मिलने के लिए बात की गई, लेकिन अभी तक जो नगर आयुक्त है उनसे भी किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला, तो जिसको लेकर लोग उग्र हो चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका आरोप है कि अगर हम आगे हमारी मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो हम आगे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां नगर निगम में मार्ग प्रकाश विभाग का प्रदर्शन जारी है, लगातार जो है कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई है, साथ ही पीएफ ना देने का भी आरोप उन्होंने लगाया है।